हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो इक्विपमेंट मंगवाए थे, एक्सरसाइज मशीनें जो मैंने मंगवाई थी, वो उनकी सबके रिव्यू मैंने आपको दिखाया, और वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो किस चीज़ में कितना यूजफुल हैं, वो मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई दोस्तों। उसमें एक एक्सरसाइज मशीन जो कि उस समय मुझे डिलीवर नहीं हो पाई थी, उसे हील एक्सरसाइजर बोलते हैं। वो एक्सरसाइज मशीन ये है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जिन लोगों को फूट ड्रॉप है और जो लोग फ्रीडम वॉकिंग ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और मसल्स गेन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और इससे जो कि पैरों में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप पावर के हिसाब से जितनी ताकत लगाना चाहें ऊपर या नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे यूज कर रहा हूं, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। इसमें एंकल से लेके जो मसल्स हैं और जो घुटने हैं और कमर से, थाइज से, सभी जगह से पावर लगाना होता है, ताकत लगानी होती है, तो सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और आप ये कह सकते हैं कि पूरे पैर में आप उंगलियों से पंजों से लेकर और थाइज तक बहुत ही अच्छी ब्लड सर्कुलेशन और एक्सरसाइज होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों पैरों से सुबह शाम और दोपहर में टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर इसको करता हूँ। ज़्यादा देर अचानक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये देखिए, मैंने टो सेपरेटर्स लगा रखे हैं जो उंगलियों में, पैर की उंगलियों में। तो ये भी मैंने मंगवाए थे, पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाया था। ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उंगलियां मुड़ जाती हैं, बहुत ही बिल्कुल टूटी जैसी हो जाती हैं, बिल्कुल उसमें जान तो वैसे भी नहीं होता है, तो ये बहुत ही नुकसान करती हैं। तो टो सेपरेटर्स इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप देख सकते हैं कि उंगलियों की बहुत बुरी हालत को भी टो सेपरेटर्स उसको रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आप मुझसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैंने खुद चेक किया है कि एंकल में और उंगलियों में ताकत ना होने की वजह से, जान ना होने की वजह से वॉकिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे आप वन स्टिक से वॉकिंग करने का ट्राई कर रहे हों या वॉकर से, या फ्रीडम वॉकिंग का ट्राई कर रहे हों, तो इस वजह से ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप देख सकते हैं कि एंकल में और फिंगर्स पे और मसल्स पे, पूरा घुटने से नीचे तक ताकत जो लग रही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट करेगी। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं जो भी इक्विपमेंट्स मैंने मंगवाए थे उनकी हेल्प से जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, उनसे बहुत ही हेल्प मिल रही है मुझे पैरों में स्ट्रेंथ लाने में और हिप मसल्स को गेन करने में। देखिए, मैंने तो सेपरेटर्स लगा रखे हैं और वेट भी लगा रखा है, ये 1 kg वेट है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, इसको मैं सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार या अपने टाइम के हिसाब से करता हूँ। आप भी इसे कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज करते समय आप अगर ऑयलिंग कर लें अपने हाथों की, पैरों की, तो और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और उसे समझने की कोशिश करें। इससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मैंने इस वीडियो में, मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा चेंज किया है
अगर आप समझ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आज ये ट्राई करूँगा कि कितने लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है।